बने आसान। नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे प्रोग्राम जिंदगी बने आसान में दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें होती है कुछ ऐसी बीमारियां होती है हमारी लाइफ में जो जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं ना वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन जाती है हमें रियलाइज भी नहीं होता कि कब हम उन बीमारियों के आगे ग्रसित हो जाते हैं आज हम बात करेंगे कि किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स को अगर आपको क्योर करना है तो वो कैसे पॉसिबल है इसके बारे में जानने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर वैभव विशाल जी जो कि एक किडनी ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट हैं तो आइए उनसे बातें करते हैं ओम शांति ब्रदर वेलकम टू आर शो ओम शांति नमस्कार ब्रदर जब हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को क्योर करने की चाहे वो कोई भी बीमारी हो आप बिकॉज आप बचपन से स्पिरिचुअलिटी से भी जुड़े हैं साथ ही साथ आप एक बहुत ही अच्छे सर्जन भी हैं किडनी सर्जन हैं तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ ब्रदर कि लोगों को सबसे पहले शुरुआत में जब कोई बीमारी आती है तो सबसे पहला थॉट उन्हें क्या करना चाहिए देखिए मैं किडनी स्पेशलिस्ट होने के नाते सबसे पहले किडनी के प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा फोकस डालता हूँ प्लीज़ प्लीज़ तो जैसे प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दो चीज़ की हमने बात की एक हम प्रिवेंट कर ले किसी बीमारी को और एक अगर कोई बीमारी हो जाए तो उसको हम क्योर कर ले तो जैसे आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की स्पिरिचुअलिटी हमें क्या सिखाता सिखाता है है डिसिप्लिन करेक्ट तो अगर आपकी प्रिवेंशन तो होना किसी बीमारी का प्रिवेंशन होना चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं yes. अगर आपके पास डिसिप्लिन है तो आपके खाने में डिसिप्लिन रहेगा आपके दिनचर्या में डिसिप्लिन रहेगा आपके सोने में डिसिप्लिन रहेगा आपके दवाई खाने में भी डिसिप्लिन रहेगा तो वो चीज बहुत जरूरी है तो अगर हम किडनी के हेल्थ के प्रिवेंशन की बात करें कि हमें किडनी डिजीज़ नहीं हो और यकीन मानिए आज के टाइम पे किडनी डिजीज़ बहुत कॉमन है मैं अच्छा। मेरे दस साल से मैं किडनी डिजीज़ के प्रॉब्लम्स को देख रहा हूँ बहुत सारे लोग या तो उनको पता ही नहीं होता और वो बहुत लेट स्टेज में आते हैं या फिर इनिशियली आते हैं और उनको लगता है कि मुझे ऐसी प्रॉब्लम क्यों हो गई बट आज के टाइम में जहाँ हमारे पास बहुत ज्यादा हाइपरटेंशन, डायबिटीज ओबेसिटी स्ट्रेस के बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो किडनी डिजीजेस भी उतनी ही बढ़ रही है करेक्ट। तो सबसे पहला प्रिवेंशन जो मैं बात करूंगा अगर हमारे किडनी के लिए कोई चीज अमृत है तो वो है पानी ओके। okay. आज के टाइम पे हम सबसे ज्यादा निग्लेक्ट करते हैं कि हम एडिक्वेट क्वांटिटी में पानी नहीं पीते हैं जी. अगर हमारे शरीर में एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पानी नहीं जा रहा है तो किडनी में स्टोन बनने की संभावन, संभावना यानी किडनी में पथरी बनने की संभावना बहुत गुना बढ़ जाती है और पथरी एक बार बन गई तो उसको ट्रीट करने के फिर प्रोसेस अलग हो जाता है कुछ पथरी होती है जो दवाइयों से ठीक हो जाती हैं लेकिन कुछ पथरी अगर बड़ी हो गई हैं किडनी के अंदर फंस गई हैं किडनी को अंदर डैमेज कर रही हैं तो उनको सर्जरी करके भी निकालना पड़ता है तो अगर हम उसको प्रिवेंट कर सके जरूरी नहीं है कि हंड्रेड परसेंट से पानी पी करके प्रिवेंट हो जाए कुछ इसमें अलग फैक्टर्स भी होते हैं जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं बट हम एक बहुत बड़ा चंक अच्छे क्वांटिटी में अगर हम पानी पी रहे हैं हमारा दिनचर्या में नमक का सेवन कम है बहुत ज़्यादा हाई सॉल्ट डाइट में भी किडनी की प्रॉब्लम होती है अच्छा ये जुड़ी हुई भी है हाई सॉल्ट डाइट होगा तो हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा है ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज़्यादा है ब्लड प्रेशर होने से किडनी डैमेज होता है कैसे डैमेज होता है अगर हम एक हथौड़े की बात करें आप एक हथौड़े से अगर एक दीवार पर रोज़ मारते रहें तो क्या होगा दीवार डैमेज हो जाएगी हाई ब्लड प्रेशर होना उसी तरह से किडनी को डैमेज करता है एक हाई प्रेशर में आप किडनी को हर रोज डैमेज कर रहे हो डैमेज कर रहे yes. हो तो किडनी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं तो सेकेंड पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है सॉल्ट कंटेंट आपके बॉडी में बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए अब हमने क्या किया सॉल्ट डालना तो कम कर दिया लेकिन हमने रोज अचार पापड़ खाना शुरू कर दिया तो हमें यह भी देखना है कौन से ऐसे खाने हैं जिसमें सॉल्ट छुपा हुआ है ओके। जैसे सॉस मिलते हैं अचार होता है पापड़ होता है बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट होते हैं जितने भी फास्ट फूड आइटम्स होते हैं बहुत हाई सॉल्ट कंटेंट होता है तो हमें उनको भी प्रिवेंट करना बहुत जरूरी है अच्छा Now, फूड जिसमें हमें ओबेसिटी नहीं ओबेसिटी एक और आ, एक और जरिया है जिससे किडनी हमारा खराब होता है तो फास्ट फूड हो गया एक बहुत ज़्यादा हाई फैट कंटेंट वाला फूड हो गया बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स हो गए ये सब और किडनी को फिर डैमेज करने में हमारे ये करते हैं है। है। दूसरा स्ट्रेस प्रॉब्लम स्ट्रेस प्रॉब्लम है वापस वो जुड़ा हुआ है स्ट्रेस होगा हाइपरटेंशन होगा किडनी डिजीज होगी तो स्ट्रेस प्रॉब्लम में स्परिचुअलिटी राजयोग आपका सेल्फ टाइम आपकी एक्सरसाइज आपका डेली वॉक आप जिस उम्र के हैं अगर आप एक बुजुर्ग हैं आप डेली वॉक कर सकते हैं Correct. अगर आप एक यंग व्यक्ति हैं आप जिम जा सकते हैं आप और फिजिकल एक्टिविटी कर सकते हैं आप बच्चे हैं आप बाहर अपना खेल कूद कर सकते हैं किसी भी तरीके से आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट तो किडनी हेल्थ को प्रिवेंट करने के लिए चार चीजें जरूर याद रखें पानी की क्वांटिटी पानी अमृत है आपके किडनी के लिए सॉल्ट कंटेंट आपको कंटेन करना है सॉल्ट ज्यादा और सॉल्ट जिस चीज में ज्यादा है उसको बहुत ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेना है उसको अवॉइड करना है ओबेसिटी फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक्स ये चीज़ें आपकी किडनी को बहुत डैमेज कर सकती हैं इसको जरूर प्रिवेंट करना है और चौथा आपका स्ट्रेस मैनेजमेंट तो ये हमारी प्रिवेंटिव हो गया अगर आपको बीमारी नहीं हो तो इससे अच्छा क्या हो सकता है ब्रदर यहाँ पर एक सवाल आता है कि ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है जो लिटरली मैं बता रही हूँ आपको कि दे टेक गुड वाटर इनटेक जो हेल्दी खाना खाते हैं और उनके मैंने एक चीज़ नोटिस की है कि वो लोग ना हर चीज़ को सही मात्रा में करते हैं ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ ज़्यादा और स्ट्रेस हाफ ज़रूर स्ट्रेस ज़्यादा रहता है काम में लेकिन बाकी दे आर वेरी डिसिप्लिन सारी चीज़ें अपनी हेल्थ कॉन्शियस हैं दे गो टू द जिम वो अपना सारा रूटीन कर रहे हैं लेकिन एक चीज़ है जो है स्ट्रेस वो स्ट्रेस बिकॉज ऑफ द वर्क इट इज़ ऑलवेज देयर वो हमेशा वो रहता ही है कि वो हाई स्ट्रेस रहता है एंड देन मैंने ऐसे केसेस में भी किडनी प्रॉब्लम्स हार्ट प्रॉब्लम्स ये सभी चीज़ों को मैंने होते हुए देखा है तो मुझे ये जानना था अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रेस अपने आप में कितना बड़ा रोल प्ले करता है कोई भी बीमारी को आप, आपके अंदर लाने के लिए अगर आप कितने भी डिसप्लिनड है कितने भी रूटीन कॉन्शियस है लेकिन सिर्फ स्ट्रेस आपकी लाइफ में ज़्यादा है तो भी आप उन बीमारियों से गुजर सकते हैं जो लोग शायद ये सब कुछ करते हुए भी यू नो दे डोंट गो थ्रू दिस तो ऐसा क्यों होता है देखिए स्ट्रेस का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑलमोस्ट हमारे सारे बॉडी ऑर्गन्स पे इफेक्ट होता है ओके okay. अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेस है और उसकी वजह से हाइपर हुआ या हार्ट प्रॉब्लम हुई हार्ट प्रॉब्लम की वजह से भी किडनी इफेक्ट होता है हार्ट प्रॉब्लम में जो आप दवाई ले रहे हैं उसकी वजह से भी साइड इफेक्ट होता है तो स्ट्रेस प्रॉब्लम तो एक बेसिक रूट है जिससे बहुत सारी बीमारियां इवन एज हाई एस कैंसर से इनफर्टिलिटी से हॉर्मोन uh, इंबैलेंस बहुत सारी चीजें हो सकती है तो स्ट्रेस का तो बहुत ज़्यादा रोल है अब मेडिकल साइंस ने कितनी भी प्रगति कर ली हो कुछ चीजें हमेशा छुपी रहती है और कुछ चीजों में हमारे का भी रोल आता है। जैसे आपने कहा कि आपने बहुत सारे व्यक्तियों को देखा जो हर मामले में डिसिप्लिन है खाना अच्छा खा रहे हैं वेट अच्छा रख रहे हैं अपना दिनचर्या अच्छा रख रहे हैं फिर भी उनको प्रॉब्लम हो गई तो मैं आपसे पूछता हूँ एक आदमी छह फीट का होता है एक पांच फीट का होता है क्यों जेनेटिक्स करेक्ट आपके माँ बाप उनके माँ बाप में क्या जेनेटिक्स आपके पास हुए हैं करेक्ट कुछ हद तक आप उन जेनेटिक्स को कंट्रोल कर सकते हैं कुछ हद तक आप उस जेनेटिक्स को नहीं कंट्रोल कर सकते हैं मेडिकली एक एक टर्म दिया जाता है टू हिट हाइपोथेसिस इसका मतलब होता है कि आपको जेनेटिकली उस बीमारी होने की संभावना है मान लीजिए कैंसर हम हम लंग कैंसर की बात करें जी. तो जेनेटिकली आपको संभावना है कि आपको लंग कैंसर हो सकता है और अगर, अगर आपने उसमें स्मोकिंग जोड़ दिया तो हंड्रेड परसेंट होगा okay. ठीक है लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई लोग बोले हमने तो कभी स्मोकिंग नहीं की बट हमें कुछ कैंसर हो गया कै। तो कुछ चीजें जेनेटिक्स की हैं जो हमारे हाथ में नहीं है Correct. बट हम मेडिकली उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जो हमारे हाथ में है और बिलीव कीजिए बहुत बड़ा चंक है जो हम कंट्रोल कर सकते हैं hmm. हम सिर्फ आंख बंद करके ये नहीं बोल सकते अरे ये तो हमारी किस्मत में था exactly. ये तो हमारे जेनेटिक्स में था कुछ होता है बट बहुत चंग को हम फिर भी मॉडिफाई कर सकते हैं मॉडिफाइबल डिजीजेज होती हैं जो हम कुछ चीज़ों को फॉलो करें तो अगर हमारे जेनेटिक्स में वो है भी तो या तो वो बहुत देर से हम उभरेगा या फिर अगर उभरेगा भी तो बहुत एक कम मात्रा में और बहुत आसान डिजीज़ होगी और वो बहुत जल्दी ट्रीटेबल भी होगी बिल्कुल ब्रदर ब्रदर एक और बात आ, मैंने एक और चीज़ नोटिस की है कि कुछ लोगों को ना अपनी रूटीन का भी स्ट्रेस होता है जो टाइप ए पर्सनालिटीज होते हैं या फिर जो बहुत ज़्यादा परफेक्शनिस्ट होते हैं उन लोगों को भी मैंने कई बार कुछ क्रॉनिक डिजीज़ेस जैसे किडनी प्रॉब्लम्स या फिर हार्ट प्रॉब्लम्स या फिर हाइपरटेंशन, इन सब बीमारियों से गुजरते हुए देखा है क्योंकि उनके क्या होता है कि मुझे ये टाइम पे यही करना है इस टाइम पे मुझे यही करना है जैसे सपोज ऑब्वियसली आप वर्क स्पेस में होते हैं कई बार पेशेंट्स लेट आते हैं कई बार कोई और प्रॉब्लम होती है कोई कोई व्यक्ति अगर कोई भी रीज़न की वजह से आपके हिसाब से चीज़ें नहीं कर रहे हैं आपके प्रोफेशन में शायद आपके असिस्टेंट वो व्यक्ति के इस नॉट दैट डिसप्लेंड या फिर कोई भी रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से वो टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही है जैसे वो चाहते हैं तो वो कंट्रोलिंग नेचर जो होता है उसके वजह से भी लोग स्ट्रेस से गुजरते हैं तो रूटीन को हमें कितने बैलेंस के साथ में हैंडल करना है कि ऐसा ना हो जाए कि हम अपने रूटीन का ही स्ट्रेस लेकर बैठ जाए उससे भी बीमारी हो जाए क्या किया जाए देखिए इसमें जो सबसे पहली बात है अब मैं काफ़ी सालों से पेशेंट देख रहा हूँ पेशेंट्स आते हैं तो अब हमारा ट्रेनिंग प्रोसेस ऐसा होता है जो हमारे सीनियर्स ने हमारे मेंटर्स ने हमको सिखाया है जब कोई एक व्यक्ति हमारे क्लिनिक में आता है वो जिस तरह से आया जिस तरह से बैठा जिस तरह से उसने अपनी बातें बोलना शुरू की उससे हमें एक आइडिया लग जाता है कि ही इज अ टाइप ए पर्सनैलिटी ही और शी इज अ टाइप ए पर्सनैलिटी टाइप ए मतलब बहुत चिंता वाला व्यक्ति है बहुत ओवर थिंकर है बहुत ओवर एग्रेसिव है बहुत ज्यादा चीज़ों को एनालाइज करता है Correct. तो जनरली मैं बातों बातों में उनसे ये पूछने की कोशिश करता हूँ कि आप ज्यादा चिंता करते हैं तो पहला आंसर होता है नहीं तो फर्स्ट थिंग इज डिनाइल आपको पता ही नहीं है कि आप ऐसे हैं okay. तो वॉट आई डू इज मैं उनके साथ वालों को पूछता हूं अगर वो किसी हस्बैंड वाइफ के साथ आए हैं भाई बहन के साथ आए हैं माता पिता के साथ आए हैं अपने बच्चे के साथ आए हैं तो मैं उनको पूछता हूँ ज्यादा गुस्सा करते हैं हाँ करते तो है <laughs> तो पहली बात है जो पर्सन ओवर थिंकर है या टाइप ए पर्सनैलिटी है उसको पता ही नहीं है कि मैं टाइप ए पर्सनैलिटी हूँ मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा तो करता हूँ बट इतना ज्यादा तो नहीं करता हूँ ah. तो फर्स्ट स्टेज इज डिनाइल आप मानोगे ही नहीं कि मैं वो हूँ Correct. तो सबसे पहले आपको एक्सेप्टेंस लेवल में आना है yes. आपको ये मानना है कि हाँ मेरी पर्सनैलिटी ऐसी है जो थोड़ा चिंता करने वाली है right. या थोड़ा ओवर थिंकिंग करने वाली Correct. है या ओवर एनालिसिस करने वाली है Correct. जिस दिन आप में एक्सेप्टेंस आ गया उस दिन yes. आपने एक सही रोड पकड़ ली ठीक होने के लिए अब आपको पता है कि हाँ ये है अब मुझे करेक्टिव एक्शन लेना है कि मैं उस चीज से ठीक हूँ करेक्ट सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपने पूछा कि वर्क प्लेस पर चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही फैमिली लाइफ में चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हो रही एक चीज़ आपको मानना बहुत जरूरी है यू के नॉट कंट्रोल एवरी थिंग एंड एवरी वन आप हर सिचुएशन और हर व्यक्ति को कंट्रोल नहीं कर सकते आज की आदत क्या हो गई मोबाइल हमारे कंट्रोल में रहता है हमने एक बटन दबाया वो ऐप खुला हमने एक बटन दबाया hmm. तो हमारी आदत ऐसे हो जाती है कि हम एक बार ये बटन दबाएं एक बार हम चीज़ करें और चीज़ें हमारे हिसाब से हो जाए बट वो चीज ह्यूमन परस्पेक्टिव में अप्लाई नहीं होती पहले के जमाने में ऐसा नहीं होता था हमें फोन कॉल करने जाते थे एक घंटे बाद एक कॉल लग रहा है नेटवर्क आ गया बात कर लेते अभी तो तो इट्स इट्स ऑल ऑल अगर मिनट का का भी भी उसमें गैप हो, दो का भी गैप हो हो तो सेकंड अरे दो सेकंड का गैप क्यों हो गया तो ये चीज थोड़ी सी मुझे लगता है मोबाइल कल्चर की वजह से हमारे लाइफ स्टाइल में आई है दैट हमें ऐसा लग रहा है कि हर चीज अब हमारे हिसाब से होनी चाहिए और उसी समय होनी चाहिए करेक्ट अगर वो चीज हमारे हिसाब से उसी समय नहीं हुई तो भी वो चीज गलत हो गई है आई थिंक विद एज आप समझते हो विद एज आप में थोड़ा सा yes. पेशेंस आता है विद विद सिचुएशन आप में पेशेंस आता है कुछ लोग हैं जैसे प्रोफेशन में है जिनको पेशेंस सिखा देता है <laughs> अगर बाहर से नहीं और अंदर से आप भले भी कितने हो, लेकिन आपको बाहर से पेशेंस रखना पड़ता है बट आई थिंक वो एक दिनचर्या का हैबिट बन है जाना चाहिए वो आपको ही बेनिफिट करेगा जी. अगर आप में पेशेंस है आप टाइप ए पर्सनैलिटी से अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करते हो आप एक शांत टाइप के इंसान बन जाते हो तो इवेंचुअली वो आपको ही हेल्प करेगा दुनिया में किसी और को हेल्प करेगा कि नहीं करेगा आपको तो जरूर हेल्प करेगा आपकी हेल्थ में आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में आपके किसी के साथ भी रिलेशनशिप आपके वर्क कल्चर में रिलेशनशिप है आप जहां खेलने कूदने जाते हो वहां रिलेशनशिप है आपके फैमिली में रिलेशनशिप है आपके बॉस होंगे आपके जूनियर होंगे उनके साथ भी आपका रिलेशनशिप होगा एक चिड़चिड़े व्यक्ति से कोई भी अच्छा रिलेशनशिप नहीं रखता है राइट तो अगर आप एक थोड़ा सा अपने आप को बैलेंस करके थोड़ा सा अपने आप को ये समझा के कि ठीक है ये काम नहीं हो रहा है ना हो जाएगा We'll yes. yes. डायरेक्शन तो तो आप में, में आपको बढ़ना पड़ेगा बिल्कुल ब्रदर, अभी हम बात करे थे किडनी प्रॉब्लम के बारे में अभी मैं जानना चाहती हूँ सपोज किसी व्यक्ति को ये प्रॉब्लम हो गई है तब उन्हें क्या करना चाहिए ताकि स्टेप बाय स्टेप कुछ छोटे छोटे टिप्स अगर आप दे सकें ऑब्वियसली उन्हें तो एक प्रोफेशनल स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है लेकिन उसके साथ में उनकी ज़िंदगी में क्या चेंजेस आनी चाहिए जिसकी वजह से वो उसे हील कर पाए देखिए सबसे पहले ज़रूरी है किडनी के सिम्टम्स या लक्षण को पहचानना जी अब मुझे तो पता नहीं पड़ेगा कि मुझे कोई किडनी की प्रॉब्लम होगी लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होंगे जिससे मुझे पता पड़ सकता है हो सकता है मुझे प्रॉब्लम हो okay. मुझे एक रूटीन हेल्थ चेकअप करा लेना चाहिए okay. बहुत सारे देशों में आप देखिए जो एडवांस डेवलप्ड देश है वहाँ पे ईयरली ब्लड चेकअप रूटीन चेकअप मैंडेटरी कर दिया गया है अभी हमारे देश में वो चीज़ मैंडेटरी नहीं हुई है बिकॉज पॉपुलेशन इशू है कॉस्ट कंस्टेंट इशूज हैं बट एक व्यक्ति को अब जैसे मान लीजिए किसी को पाओ में सूजन रहती है व्यक्ति बोलता है कि मैं दिन भर तो ठीक रहता हूँ शाम होते होते पाँव में सूजन आ जाती है चेहरे पे सूजन आ जाती है ठीक है थोड़ी थकान सी लगती है एनर्जेटिक फील नहीं होता है हो सकता है वो किडनी की प्रॉब्लम हो या फिर अगर किडनी में अगर आपको इन्फेक्शन है तो यूरिन करने में समस्या आना यूरिन बार बार आना यूरिन करने में जलन होना पीठ के पीछे दर्द होना फीवर आना ये सब भी एक लक्षण हो सकते हैं तो इसके जो किडनी डिजीज को बेसिकली दो भागों में बांटा जाता है hmm. एक किडनी डिजीज जो दवाइयों से ठीक हो सकती है okay. जैसे हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो गई किडनी डिजीज की प्रॉब्लम हो गई उस ग्रुप ऑफ डिजीज को जो डॉक्टर ठीक करते हैं उसको नेफ्रोलॉजिस्ट कहा जाता है अच्छा। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब वो डॉक्टर जो दवाइयों से आपकी किडनी को ठीक कर सकते हैं उसमें डायलिसिस भी आता है किसी की किडनी अगर दोनों खराब हो गई है, तो उनको डायलिसिस कराना पड़ता है तो भी नेफ्रोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास जाएंगे okay. लेकिन अगर किसी किडनी डिजीज प्रॉब्लम के लिए सर्जरी की आवश्यकता है ऑपरेशन की आवश्यकता है अगर मान लीजिए बहुत बड़ा स्टोन बन गया है कोई किडनी में कैंसर हो गया है कोई किडनी की ऐसी चीज़ है जिसको बाहर कोई गांठ हो गई इसको बाहर निकालना जरूरी है जी। प्रोस्टेट करके हमारा एक अंग होता है जो पुरुषों में पाया जाता है पेशाब की थैली के नीचे प्रोस्टेट करके एक अंग होता है okay. जो उम्र के साथ साइज में बढ़ता है उसकी वजह से बुजुर्ग लोगों को यूरिन करने में समस्या रात में बार बार यूरिन आना यूरिन करते समय ऐसा लगना कि पूरा यूरिन खाली नहीं हुआ है और उस चीज़ को बेसिकली इस चीज़ को शर्म के साथ देखा जाता है कि अरे मैं ये तकलीफ किसको बताऊं खासकर एक बुजुर्ग व्यक्ति है जो घर पे अकेला बैठा है उसको लगता है मैं किसको बताऊं कि तो तकलीफ सहता जाता है सहता जाता है और ये तकलीफ फिर बढ़ती जाती है तो इन ग्रुप ऑफ डिजीजेस को जिनको सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है उनको यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर या यूरो सर्जन यूरो मतलब जो किडनी से रिलेटेड जो चीज़ों को देखते हैं तो उनको दिखाना पड़ेगा आपके आसपास जो भी डॉक्टर हो सकता है आप किसी छोटे शहर में रह रहे हो आपके शहर में नेफ्रोलॉजिस्ट या यूरोलॉजिस्ट की उपलब्धि नहीं हो आप किसी भी डॉक्टर को जाके दिखाइए एक बार अपना रूटीन ब्लड टेस्ट कराइए रूटीन ब्लड टेस्ट में हमें 99 परसेंट चीजें पता पड़ जाती हैं कि आपको किडनी की प्रॉब्लम है या नहीं है okay. अगर उसमें जरूरत पड़ती है तो सोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड जिसको कहा जाता है पेट का उसको कराने की जरूरत पड़ती है इससे हम यह डायग्नोज कर सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम है या नहीं है और अगर है तो उसको किस टाइप के ट्रीटमेंट की जरूरत है लेकिन अगर आप आंख बंद करके घर पे बैठ जाए कि नहीं अच्छा सूजन आ रही है तो कोई बात नहीं ठीक हो जाएगी तो वो चीज गलत है तो एक बार साल में एक बार आपको अपना रूटीन चेकअप करा लेना चाहिए आपके आसपास जो भी आपको लगता है जिस पे भी आपको भरोसा है उस डॉक्टर को एक बार दिखा लेना चाहिए रूटीन चेकअप अगर बहुत अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है और अगर उसमें प्रॉब्लम है तो किसी भी प्रॉब्लम को अगर हम शुरुआती दौर पर ही पकड़ लें तो उसका ट्रीटमेंट बहुत आसान हो जाता है ब्रदर मुझे आपसे पूछना था कि एक चीज जो बहुत मैंने कॉमन देखी है आजकल प्रॉब्लम है रियल प्रॉब्लम है वो ये है कि हम जब डेडलाइंस के साथ डील कर रहे होते हैं कॉपरेट्स की अगर हम बात करें जहाँ पर मतलब इतनी फास्ट सब कुछ चल रहा होता है दिन की शुरुआत कब होती है एंड कब होता है पता ही नहीं चलता कई बार नाइट शिफ्ट में लोग काम कर रहे होते हैं कई बार उनकी पूरी लाइफ टोटली डिफरेंट होती है जो कि एक कॉमन मैन की लाइफ होती है ऐसे में एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा निगलैक्ट होती है वो वो होती है हमारी हेल्थ क्योंकि कोई भी चीज़ आपको डिसिप्लिन की ओर नहीं लेके जाती वो सिर्फ डेडलाइंस की ओर लेके जाती है ऐसे में बिकॉज आप भी इतने हाई स्ट्रेस जॉब में है लेकिन आपके लाइफ से आपकी ज़िंदगी से कहीं रिफ्लेक्ट नहीं होता कि आप स्ट्रेस से गुजर रहे हैं तो ये कला ये कहाँ से आती है मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये जो बैलेंस आपने अपनी लाइफ में क्रिएट किया है वो कैसे आता है देखिए कॉर्पोरेट लाइफ का आपने बात सही कही डेडलाइंस होते हैं कॉर्पोरेट लाइफ से भी ज़्यादा आप देखिए मिलिट्री लाइफ में डॉक्टर लाइफ yes, में बहुत yes. ज़्यादा स्ट्रेस होता है अब एक मेडिकल प्रोफेशन में हमारे पास ट्वेंटी फोर इंटू सेवन कोई ऐसा टाइम नहीं होता कि आज छुट्टी है Correct. आज मैं घर नहीं जा आज मैं घर पे ही रहूंगा Correct. अगर मैंने कोई सर्जरी की है तो भले वो संडे हो भले वो रात को अब कल रात की ही बात है कल रात के दो या ढाई बजे भी हमारे पास एक पेशेंट आए हमें जाना पड़ा अटेंड करना पड़ा तो ये चैलेंजेस तो आएंगे अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो प्रोफेशनल लाइफ में चैलेंजेस आएंगे वी हैव टू बी प्रैक्टिकल अबाउट इट हम इसको सिर्फ एक थियोटिकल उस पर नहीं देख सकते कि नहीं नहीं प्रॉब्लम तो आना ही नहीं चाहिए डेड होना ही नहीं चाहिए हमारा नाइट शिफ्ट होना ही नहीं चाहिए प्रॉब्लम्स आएंगे और आपको उस प्रॉब्लम को मैनेज करना भी जरूरी है right. जो वही बात है बैलेंस की बात अगर आपको आपको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ बहुत हेक्टिक हो गई है आपको हो सकता है हर किसी का तरीका अलग हो स्ट्रेस को मैनेज करने का कोई व्यक्ति हो सकता है अपने दोस्तों के साथ बात करके स्ट्रेस को कम कर ले तो वही कोई व्यक्ति चुपचाप रह करके अपने स्ट्रेस को मैनेज yes. कर ले तो एवरीथिंग हैज टू बी इंडिविजुअलाइज एक इंडिविजुअल अपना इंडिविजुअल डिसीजन खुद लेना चाहिए और उसको खुद समझना पड़ेगा कि मुझे किस चीज़ में हो सकता है एक मदर हो उसको अपने बच्चे के साथ खेलने में, hmm. में स्ट्रेस कम हो जाए एक फादर हो उसको एक लॉन्ग ड्राइव लेने में अब उसका स्ट्रेस कम हो जाए एक फैमिली हो उसको फैमिली में साथ में टाइम स्पेंड करने में स्ट्रेस कम हो जाए तो इसमें स्ट्रेस मैनेजमेंट का तरीका आपको खुद को ढूंढना पड़ेगा लेकिन हाँ मेडिटेशन एक्सरसाइज एक्सरसाइज अगर हम मेडिकली बात करें एक्सरसाइज हमारे बॉडी से एंडॉरफिंस करके हॉर्मोन्स को रिलीज करती है जो हमारे स्ट्रेस लेवल को हमारे माइंड को हमारे बॉडी को शांत करती है तो मेडिटेशन से आपका मेंटल पीस और एक्सरसाइज या बॉडी एक्टिविटी से आपका फिजिकल पीस दोनों अगर साथ में लेके ले के चलेंगे तो आप डेडलाइंस भी पहुंच पाएंगे और बाकी अपने स्ट्रेस को भी मैनेज कर पाएंगे हाउ ब्यूटिफुल अमेजिंग ब्रदर आई थिंक आज की जो हमारी जर्नी रही है ये जो एपिसोड रहा है uh, मेरे लिए बहुत सारी नई बातें आपने इंट्रोड्यूस की आई एम श्योर हमारे दर्शक भी बहुत खुश हुए हैं आपके सभी आंसर्स से मैं सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ ब्रदर कि हम कोशिश करेंगे कि अपने स्ट्रेस को अपनी जिंदगी से दूर भगाएं और एक बैलेंस लाइफ स्टाइल थैंक यू सो मच ब्रदर थैंक यू फॉर कमिंग इन आर शो ओम शांति ओम शांति थैंक यू दोस्तों जब भी हम ये सोचते हैं ना कि अब इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है ट्रस्ट मी वहीं से सोल्यूशन की शुरुआत होती है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना दोस्तों कि हमें लगता है कि अगर हम जिंदगी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस लाएंगे ना तभी ही हमारी लाइफ चेंज होंगी बड़े बड़े डिसीजंस लेने हैं बड़े बड़े गोल्स अचीव करने हैं पर ट्रस्ट में छोटी छोटी चीज़ों में भी जो मज़ा है छोटे छोटे चेंजेस करने में जो आपको बेनिफिट्स नज़र आएंगे चाहे आपके लाइफ में चाहे आपके स्ट्रेस लेवल में आज का पूरा एपिसोड उसका एक प्रतीक है कि अगर आप अपनी लाइफ को सिम्पलीफाई करते हैं अगर अपनी लाइफ को सीरियसली लेते हैं तो आप कोई भी अचीव कर पाएंगे गोल को और साथ ही साथ आपकी हेल्थ की प्रॉब्लम भी नहीं बढ़ेगी इस बात के साथ आज के प्रोग्राम कमेंट करते हैं कल आपसे फिर मिलेंगे आपके ही शो में जिंदगी बने आसान शांति अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिंदगी बने आसान ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो शांति वन आबू रोड कॉल एट जीरो नाइन फोर नाइन वन थ्री फोर एट सेवन